हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की सेशन में 125 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चंस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल हैं। सभी चैप्टर का थ्योरी सेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड बीपीएससी टीआई 2 में मैंने 80 वीडियोज का प्रैक्टिस, पूरे चैप्टर वाइज एक एक चीजों का हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। बहुत मेहनत किया गया है उस 80 वीडियोज में। सारे वीडियोज को जाकर के आप देखिए, उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो डेली बेसिस पे जो भी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, डेली बेसिस पे आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आप सबको पता है यकृत यानी कि लीवर है। लेकिन यदि पूछ देगा कि सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो थायराइड है। दोनों चीजों को हमेशा लेकर के चलिएगा कि ऐसे पूछ देगा तो क्या आंसर होगा और इस प्रकार से पूछेगा तो क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूर्नामेंट कितनी प्रकार की होती है? तो आप सबको पता है कि टूर्नामेंट चार प्रकार की होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो चार प्रकार की। अब टूर्नामेंट के बारे में, आप चारों टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप टूर्नामेंट वाले वीडियोज को देखिए और इतना शॉर्ट में सभी चीजें आपको कोई नहीं बताया होगा। नेक्स्ट, YMCA कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो दोस्तों, इसके प्रथम प्राचार्य थे H.C. Buck। 1920 में इन्होंने भारत में चेन्नई मद्रास में YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना की। और इंग्लैंड में सबसे पहले YMCA का स्थापना 6 जून 1844 में किया गया था। H.C. Buck को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? दोस्तों, अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में 31 जनवरी 2014 के संशोधित नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन, खेल भावना, नेतृत्व तथा अनुशासन का गुण दिखाया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत ओलंपिक, एशियन खेल एंड राष्ट्रमंडल एंड विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप तथा अन्य समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है? तो ये 6,000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। एंड जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एवेलिन सी पियर्स नामक लेखक की पुस्तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेस में पृष्ठ नंबर 166 पर श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 6,000 से 10,000 औसतन 8,000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर लिखी गई है। एंड RBC की संख्या 90 से 120, सॉरी दोस्तों, RBC जो है 5 मिलियन पाया जाता है प्रति क्यूबिक रक्त में, यानी कि 50,000। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट है, निम्न में से कुश्ती से संबंधित नहीं है? दोस्तों, कैनवास शूज भी है, पैलेस्ट्रा भी है, जैसे कि प्राचीन यूनान जो था एथेंस में जो पैलेस्ट्रा होता था, उस जो कुश्ती जहाँ पे कराया जाता था उसको पैलेस्ट्रा व्यायामशाला को बोला जाता था, और मैट होता है बट हाल नहीं होता, हाल में ये नहीं खेला जाता। नेक्स्ट है,
ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो आप सबको पता है 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पांचों महाद्वीप पांच महादेशों को, ये पांचों जो है छल्ले जो है पांच महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कैल्शियम। नेक्स्ट दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो आप सबको पता है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक यानी गुरु को दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रयास एंड त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रयास कीजिए, यानी स्वयं ऑब्जर्वेशन मेथड भी इसको बोला जाता है, कि धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट बांट के आप करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर तो आप जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक होती है। तो दोस्तों, डेली बेसिस पे आप अपने स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है, तो उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्य संवेदी अंग यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कितने होते हैं? आपको पता है 5 जो है आपका सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि संवेदी अंग, ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया होती हैं। तो 5 जो सेंसरी ऑर्गन होती हैं यानी कि ज्ञानेंद्रिया जो होती हैं, हमारे नाक, कान, जीभ, त्वचा होती है और आंख, ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, नेत्र, कान, नाक, त्वचा। और सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा ही हमारा जो सेंसरी नर्व होता है वह इन अंगों से जो संदेश होते हैं उसको ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वह वापस हमारे मांसपेशियों तक पहुंचाता है कार्य करने के रूप में मोटर नर्व के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो हमेशा जंप बॉल से होती है, यानी कि बास्केटबॉल का मैच जंप बॉल से शुरू होता है, और नए नियम के अनुसार अन्य क्वार्टर व कॉमन फाउल में मैच थ्रो इन से शुरू होता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है B.N. झा ने। नेक्स्ट है, भोजन के मुख्य कार्य हैं। तो दोस्तों, भोजन का मुख्य कार्य है हमारी मांसपेशी यानी कोशिकाओं और ऊतकों को बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, भोजन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, जैसे कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये 6 होते हैं, लेकिन कार्य के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3। कौन कौन से? पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आता है। दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले, जिसमें प्रोटीन आता है। तीसरा होता है शरीर की रक्षा करने वाले रोगों से, तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स यानी कि विटामिन और खनिज लवण आता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी जो है सबसे बड़ा स्रोत है, उसके अलावा दूध में एंड हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेन क्या है? तो मैंने बताया था स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में। स्ट्रेन यानी खिंचाव और स्प्रेन यानी मोच। स्ट्रेन यानी खिंचाव जो पेशियों और टेंडन्स में लगती है, और स्प्रेन यानी कि मोच जो हमारे लिगामेंट को खिंच जाने से होता है। तो स्ट्रेन जो है पेशियों का फटना या खिंचाव हो जाएगा। एंड दोस्तों, जो टेंडन होता है कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जो लिगामेंट्स होता है 2 हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। नेक्स्ट है, शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि आदि के में सुधार करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये सभी में सुधार करने के लिए हम वार्षिक या समेटिव और जो समेटिव एंड फॉर्मेटिव जो आपका एग्जाम होता है लेते हैं, जिससे उसके बाद मूल्यांकन करते हैं अंकों के रूप में, उसके बाद पता चलता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, अभी क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, तो उसे हम मूल्यांकन विधि से कर पाते हैं। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है? तो आपको पता है कि जेम्स नेस्मिथ ने अमेरिका में
इसके जन्मदाता अमेरिका के थे, कौन? जेम्स स्मिथ, जो 1891 में बास्केटबॉल की खोज किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो इसका जो माप होता है दोस्तों 28×15 मीटर होता है, 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता बोला जाता है। रक्त वर्ग ओ को, अगर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव लिखा रहेगा तो ओ नेगेटिव को बोला जाता है सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए, सॉरी दोस्तों, रक्त वर्ग ए बी को, ठीक है, ए बी सबका ले सकता है और ओ जो है ओ नेगेटिव जो है सबको दे सकता है। नेक्स्ट है, घर से बाहर तंबू अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे शिविर कहा जाता है। जब छुट्टी का समय होता है तो उस कंडीशन में हम प्राकृतिक वातावरण या कुछ सीखने के लिए, नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए हम तंबू और झोपड़ियों में रहते हैं। नेक्स्ट है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो अभी मैं जस्ट बताई थी, तो पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट वसा, शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन एंड सुरक्षा करने वाले रोगों से विटामिन एंड खनिज। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एंड खनिज। नेक्स्ट है, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो हमारे जांग की फीमर होती है। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो जांग की फीमर होती है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपको पता है फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है एंड सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार उनमें से किसको दिया गया है? इसमें तो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर कर्ण सिंह को। नेक्स्ट है, सीटीएस का क्या अर्थ है? तो सीटीएस अर्लियस फोर्टियस हेनरी डिराउन ने दिया था, लेकिन अब एक नया शब्द और जुड़ गया है कम्युनिटर। तो अब पढ़ा जाएगा सीटीएस अर्लियस फोर्टियस कम्युनिटर, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर टूगेदर, यानी कि और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। तो सीटीएस का अर्थ हो जाएगा अधिक तेज दौड़ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेन व स्ट्रेन का प्राथमिक इलाज किस विधि से किया जाता है? तो दोस्तों जो भी चोटें आती हैं उसको प्राथमिक इलाज करने के लिए RICE पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी सबसे पहले उसको रेस्ट देंगे तुरंत, उसके तुरंत जस्ट बाद हम उसको आइस हो जाएगा, आइस यानी कि बर्फ लगाएंगे, बर्फ से रगड़ेंगे जहाँ पे चोट लगा है, और उसके बाद उस पर RICE यानी सी से मतलब कंप्रेजन यानी कि दबाव होता है, सी मतलब होता है कंप्रेजन यानी कि दबाव, जहाँ चोट लगा है कंप्रेजन चोटी वाले भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग की तरफ दबाना होता है, और जिससे उस भाग का रक्त संचरण रुक जाए या कम हो जाए, सूजन भी कम हो जाए, इसके लिए टॉनिक बैंडेज का भी प्रयोग किया जाता है। और RICE से मतलब होता है इलेवेशन, यानी चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? दोस्तों ट्रैक प्रतियोगिता जैसे कि, उसके अलावा आपको थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट में रखा गया है, जैसे कि लंबी कूद जो है जंपिंग इवेंट के अंतर्गत आएगा, एंड पोल वॉल्ट भी जंपिंग में आ जाएगा, भाला फेंक थ्रोइंग इवेंट में आ जाएगा, ये आपका मैराथन जो है वो ट्रैक पर दौड़ा जाता है, ट्रैक प्रतियोगिता में आएगा, मतलब कि पहला राउंड और अंतिम राउंड शुरुआत भी और लास्ट भी ट्रैक का चक्कर लगा के किया जाता है, और जो और बाकी के दौड़े सड़क पर होती है, तो ये मैराथन दौड़ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
त्वचा और म्यूकस झिल्ली पर स्क्रेप यानी रगड़ लग जाना क्या कहलाता है, तो उसे एब्रेजन कहा जाता है। स्ट्रेन जो है वो मांसपेशी टेंडन की चोट होती है। कॉन्ट्यूजन जो है जोरदार किसी भारी वस्तु से चोट लग जाना, जिसे नीला पड़ना या कॉन्ट्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है खो खो मैदान की माप क्या होती है दोस्तों, तो 27x16 मीटर होती है। ठीक है, नए नियम के अनुसार खो खो मैदान की माप 27x16 मीटर होती है, जिसमें फ्री जोन 1.50 मीटर चौड़ा, खंभे से पहला सीटिंग ब्लॉक 2.55 मीटर की दूरी पर एंड अन्य सीटिंग ब्लॉकों के मध्य की आपस में दूरी 2.30 मीटर तथा सीटिंग ब्लॉकों की चौड़ाई जो है 0.35 मीटर यानी कि 35 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, शारीरिक मानसिक सामाजिक अध्यापक संपूर्ण विकास करना है व्यक्ति का, तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का क्या है, लक्ष्य है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। नेक्स्ट है अभ्यास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो दोस्तों थंडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। दूसरा उन्होंने दिया है अभ्यास का नियम, जिसे उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तीसरा उन्होंने दिया है प्रभाव का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ इफेक्ट, संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। तो जो इनका अभ्यास का नियम है वह उपयोग अनुपयोग नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है गति की विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी क्विंसिरोजी गति विज्ञान का जनक है अरस्तु। नेक्स्ट है लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है, तो उसे मनोरंजन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तो खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए सीविद है कि मनोरंजन है, रचनात्मक शब्द लिखा गया है। कोई भी चीज दोस्तों खाली समय के लिए आप कर रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं, डिजाइन भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, वो मनोरंजन में ही आ जाएगा, इसलिए मनोरंजन में ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, तो समान तत्वों का सिद्धांत है, दोनों में सिमिलर चीजें मिलती रहेंगी तभी आपका सीखने का स्थानांतरण होगा। 3 प्रकार के सीखने का स्थानांतरण होता है, धनात्मक, ऋणात्मक एंड शून्य स्थानांतरण। पहले का सीखा गया कार्य नए कार्य करने में सहायता कर रहा है, धनात्मक स्थानांतरण। पहले का सीखा गया कार्य नए कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऋणात्मक स्थानांतरण। पहले का सीखा गया कार्य नए कार्य करने में न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है न तो सहायता कर रहा है, तो वहां पर शून्य स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहन करना क्या कहलाता है, तो यह नेतृत्व क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट है कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, आप सबको पता है 32 है, जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं। नेक्स्ट है NSNIS का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 7 मई 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो सबसे मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन को 2 प्रकार बांटा गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील बी सी और एच होता है, उसके अलावा सभी वसा में घुलनशील होता है, तो ए डी ई के। ठीक है, ए वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है स्किनर के द्वारा सीखने के संबंधित दी गई परिभाषा क्या है, तो स्किनर ने अनुकूलित सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने अभिप्रेरणा को मुख्य माना है। तो इन्होंने सीखने का परिभाषा दिया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों वातावरण का क्या अर्थ है, दोस्तों वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।
नेक्स्ट दोस्तों लीग प्रतियोगिता को कहते हैं, दोस्तों लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में मैच हो गया, जो राउंड लीग टूर्नामेंट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का अवसर दिया जाता है। जबकि नॉकआउट में क्या होता है कि एक बार जो टीम मैच हार जाती है उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। तो लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग एंड डबल लीग। सिंगल लीग में प्रत्येक टीम टूर्नामेंट में मौजूद प्रत्येक टीम के साथ एक बार खेलेगी और डबल लीग में दो बार खेलेगी। सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र एन एन माइनस वन अपॉन टू एंड डबल लीग में एन एन माइनस वन। एंड दोस्तों जो लीग टूर्नामेंट होता है या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इसमें फिक्स्चर बनाने की तीन विधियां होती हैं, साइकिल, टेबुलर एंड स्टेयरकेस मेथड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? ये सभी जनसंपर्क के साधन है। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। दोस्तों एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच जो टूर्नामेंट या प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उसे एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट कहा जाता है। जो अपने ही संस्थान में चार दीवारी के अंदर होता है उसे इंट्रा मुरल कहा जाता है। यहाँ पे विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के मैदान की माप क्या होती है? दोस्तों आप सबको पता है 18x9 मीटर होता है। नेक्स्ट है, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव क्या है? दोस्तों जो हम व्यायाम करते हैं तो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है एंड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है एंड हमारे अंदर सहन क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ भी हमारा इच्छा शक्ति बढ़ जाता है, श्वसन क्रिया की दर में कमी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम व्यायाम करते हैं तो उस टाइम जो है श्वसन दर, हार्ट रेट दोनों बढ़ जाता है, बट जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं तो हम आराम आराम से रिलैक्स मोड में सांस लेते हैं और हमारा हृदय भी धड़कता है, तो श्वास दर में कमी आती है जिससे हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो सहनशीलता भी बढ़ती है, उपरोक्त तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो दोस्तों हड्डी का टूटना, दिल का दौरा, कैंसर, ये संक्रामक रोग नहीं है, जबकि वायरल बुखार जो है ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये विटामिन बी की कमी से होता है, यानी विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है एंड विटामिन बी टू की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, जिसमें होंठ फटना, पाचन कमजोर, रोग निरोधक कमी, जीभ में सूजन, आंखों में विकार हो जाता है। विटामिन बी थ्री की कमी से चर्मद्राह या पेलाग्रा हो जाता है एंड बी सिक्स की कमी से एनीमिया, बी सेवन जो बायोटिन होता है उसमें बाल झड़ना, त्वचा रोग आदि हो जाता है, और बी नाइन जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, और फिलोक्विनोन बी नाइन जो होता है वो आरबीसी के उत्पादन में सहायक होता है, बी ट्वेल्व जो है जिसको साइनोकोबालबिन भी कहा जाता है, और रक्त निर्माण में विशेष सहयोग देता है, डीएनए के संश्लेषण में सहयोग करता है, और पर्निशियस एनीमिया हो जाता है बी ट्वेल्व की कमी से। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? तो दोस्तों जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है उसे संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो जिसमें एक तल में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ सकता है, उसी तरह कोहनी या घुटना, उंगलियां और जबड़े का जोड़ जो होता है ये सभी होता है हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि या कोर संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम से मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वह लोहा यानी कि आयरन की जरूरत होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ऑक्सीजन के परिवहन का काम करती है, यानी ऑक्सीजन को लेकर के हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जिससे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, एटीपी का निर्माण होता है,
जिससे हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित किया जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दोस्तों यह कहलाती है इंट्रामुरल्स प्रतियोगिता। और एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच में होगा तो उसे एक्स्ट्रामुरल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है, हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों तो 72 बार धड़कता है, तो यहाँ पे 72 से 75 बार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक बालिकाओं में भिन्नता का क्या कारण है? दोस्तों तो ऊंचाई मोटाई विकास में भिन्नता का कारण नहीं है, लिंग भेद ही एक विभिन्नता का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल की बॉल का भार कितना होता है? दोस्तों 567 से 650 ग्राम होता है बास्केटबॉल के भार का। नेक्स्ट है, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला कौन सा होता है? प्रोटीन। ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट वसा, एंड रक्षा करने वाला विटामिन एंड खनिज लवण। नेक्स्ट है दोस्तों, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? तो लंबी अस्थियां मानव शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो 4 अंपायर होते हैं, 3 फील्ड में होते हैं, 1 टीवी स्क्रीन पर होता है, 1 रिजर्व अंपायर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एड्स नहीं फैलता। एड्स 3 कारणों से फैलता है, यौन प्रेशर से, रक्त पोषण से यानी दूसरे का रक्त आप चढ़ा रहे हैं, मतलब कि एक सुई हम दूसरे को लगाया है जिसमें एड्स है, और उसी सुई से नए सुई का यूज नहीं करेंगे, उसी सुई से किसी और को लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी रक्त प्रेशर से रक्तदान करेंगे ऐसे व्यक्ति का तो भी हो जाएगा, और माँ से शिशु में प्रेशर से, माँ अगर उससे ग्रस्त है तो शिशु भी उससे ग्रस्त हो सकता है। बस 3 कारण ही होंगे और एक चौथा कोई कारण नहीं होगा, यानी कि कैसे नहीं फैलता है तो अग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, ये मिथ है, यानी कि अनजाने में जो इसको ज्ञान नहीं है वो बोलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, पारिवारिक मनोरंजन क्या है? तो पारिवारिक मनोरंजन क्या होता है? खाली समय है तो उसके लिए हम अपना परिवार के बीच में समय बिता रहे हैं तो पारिवारिक मनोरंजन है। ठीक है, तो ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के छोड़ों को व्यस्त रखने के लिए आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? दोस्तों तो 12 जोड़ी, जोड़ों में पूछेगा तो 12 जोड़ी, और कुल कितने पूछेगा तो 24 हो जाएगा। तो ये पसलियां जो है, जो बीच में जो मोटी अस्थि होती है जिसे उरोस्तु या स्टर्नम बोला जाता है, स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जीरफाइट। जो मैनुब्रियम होता है ऊपर का जो सबसे चौड़ा भाग होता है जिसे 2 हौसली यानी कि कैल्केनियम हड्डी जुड़ी होती है जो हमारे कंधों तक जाती है, और बीच वाला भाग जो होता है ग्लैडियोलस जिसमें से 7 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती है, जो सबसे छोटा वाला भाग होता है नीचे वाला जीफाइट जिसके नीचे यकृत, अमाशय, पित्ताशय सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो पसलियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, 2 रिब्स ये 7 होती हैं असल पसलियां जो प्रत्येक अलग अलग उरोस्थि यानी कि स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, और एक दूसरा होता है फाल्स रिब यानी कि एक बनावटी पसलियां जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं जो स्टर्नम से जुड़ने से पूर्व आपस में एक जगह जुड़ करके एक होकर के उरोस्थि के साथ यानी स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं, और 11वीं 12वीं पसलियां जो है बिल्कुल अलग रहती हैं जिसे स्वतंत्र या तैरने वाली या फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण है? तो एक सर्वोच्च शिक्षा या नेता में यह गुण होता है। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं, यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहते हैं, हम सोते रहते हैं, जागते रहते हैं तो भी वो अपना धड़कता रहता है। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, लैंगहेंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो दोस्तों लैंगहेंस की दीपिकाओं से यहाँ पे आपके एक एक करके बताते हैं, जो पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज अमाशय से होता है, और पेप्टून जो है अग्नाशय से होता है, ये एंजाइम है, और रेनिन भी एक एंजाइम है। तो आपको अगर नहीं भी आता रहेगा तो तीनों के तीनों एंजाइम है, हार्मोन्स खाली इंसुलिन है, तो ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इंसुलिन जो है वो लैंगहेंस की दीपिकाओं से, अग्नाशय के लैंगहेंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है।
तो जैसे कि अग्नाशय के लैंगिक दीपिकाओं से चार प्रकार की जो हार्मोन्स है स्रावित होते हैं, जैसे कि अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागन जो यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यानी कि इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। एंड डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो ग्लूकेगन एंड इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव को रोकता है एंड पचे हुए भोजन को ऊर्जा बनाता है और उसका स्वांगीकरण करता है, ठीक है। आईएफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों जो प्लीहा यानी स्प्लीन होता है वह ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो आरबीसी होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम ही जो होता है आत्महत्या की थैली उसको बोला जाता है, और उसको जो शरीर की या कोशिकाओं की सफाई करता है जो मृत कोशिकाएं होती हैं, तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है इसलिए जा करके मरता है स्प्लीन यानी प्लीहा में, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों तो यहाँ पे तो आपको श्वेत रक्त कणिका का तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, तो जो रक्त जमाने का ब्लड क्लोटिंग का काम करता है रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स करता है। तो अगर रक्त कणिकाओं में पूछे रक्त जमाने का कार्य तो प्लेटलेट्स यानी कि प्रोथ्रोम्बिन, एंड जो ब्लड क्लोटिंग होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन जो होता है वो जमाने में काम करता है, और अगर खनिज लवण में पूछे तो कैल्शियम जो है रक्त को जमाने में कार्य करता है, भूमिका अदा करता है, और विटामिन से पूछे तो विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेचक, छोटी माथा, तपेदिक किस माध्यम से फैलने वाले रोग हैं? ये सभी संक्रामक रोग हैं, ये वायु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियां से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी नेस की परिभाषा है। नेक्स्ट दोस्तों, एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है? यह बैक्टीरिया से, सॉरी दोस्तों यह वायरस से फैलता है, ठीक है। तो एड्स जो है एचआईवी वायरस यानी कि ह्यूमन एचआईवी वायरस से फैलता है, एचआईवी का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स का फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक व्यायाम है, तो योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, ये सभी शैक्षिक व्यायाम है। नेक्स्ट है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो 400 मीटर ट्रैक को स्टैंडर्ड माप कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? दोस्तों राष्ट्रपति देता है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है, एनसीसी एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो एन यानी नेशनल है, तो सभी चीजें शासकीय एजेंसियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वातावरण के भेद कौन से हैं? तो वातावरण तो भौगोलिक, सामाजिक या प्राकृतिक के कृत्रिम दो प्रकार का होता है, बट यहाँ पे आंसर दिया है अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण, ठीक है, तो ये भी होगा एंड प्राकृतिक कृत्रिम वो भी होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने किया था? तो आप सबको पता है बैरन फ्रेडी कुबर्डी, इसलिए बैरन फ्रेडी कुबर्डी को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुआ एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में, यानी आईओसी की स्थापना 23 मई 1894 के हुआ था। नेक्स्ट है,
जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सामुदायिक मनोरंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है? तो दोस्तों ये बच्चों में होता है, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, मेरुदंड यानी कि जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? तो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। बच्चों में 33 पाया जाता है और वयस्कों में बड़े होने पर 26 हो जाता है। और इसमें जैसे कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, सर्वाइकल बोन जो होती है गर्दन में 7 होती है, और वक्ष जो थोरेसिक बोन होती है 12 होती है, और जो लंबर यानी कि कमर वाला होता है 5 होते हैं, और जो सेक्रल होता है वो भी 5 होते हैं जो बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती है, और कॉक्सीजियल जो है 4 होता है जो बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती है। 33 से बचता है 26। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी कौन सा है? तो दोस्तों MS अर्जुन रॉजर ट्रॉफी जो है वो बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वह कौन सा आसन जो सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है तो उसे शवासन कहा जाता है, इसे मृत्यु आसन भी कहा जाता है, आरामदायक आसन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, उतक किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उतक यानी टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 90 से 120 दिन होता है। तो यहां से 100 से 120 दिन दिया है तो वही राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड किस दिनांक को दिया जाता है? तो 29 अगस्त को दिया जाता है सभी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो किक शब्द आते ही आप जान लीजिएगा वो फुटबॉल से बात कर रहा है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों प्रेरणा जो है वह दो प्रकार की होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्रेरणा जो है दो प्रकार की होती है, प्राथमिक अभिप्रेरणा या द्वितीयक अभिप्रेरणा। प्राथमिक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है और द्वितीयक अभिप्रेरणा को वाह अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो प्राथमिक अभिप्रेरणा होता है वो जन्म से विद्यमान होता है, जैसे भूख प्यास दर्द से मुक्ति नींद आराम। और द्वितीयक अभिप्रेरणा जो होता है वाह अभिप्रेरणा वो जन्म से विद्यमान नहीं होता है, अपितु जन्म के पश्चात धीरे धीरे सीखा जाता है, अपना रूप लेता है, जैसे कि अपनत्व की भावना, प्यार की आवश्यकता, संबंध बनाने की आवश्यकता, संरक्षण की आवश्यकता, समाज में पहचान की आवश्यकता आदि। नेक्स्ट है, शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? दोस्तों तो पोषक तत्व भी होता है, आपकी सोच भी होता है, बट सबसे मुख्य कारण होता है वंशानुक्रम, वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा संतुलित भोजन एंड परिवार के बीच मधुर संबंध है, ख ग दोनों उठ जाएगा। नेक्स्ट है, लोना किस खेल से संबंधित है? आप सबको पता है कबड्डी से संबंधित है, जब दूसरे अपोजिट टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाता है तो 2 अंक का लोना मिलता है, लोना का 2 अंक अपोजिट टीम को मिलता है। नेक्स्ट है, हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि कितनी होती है? दोस्तों तो पहले 35-35 मिनट और 5 मिनट का मध्यांतर होता था, अब 2015 के नियम के अनुसार हॉकी का जो मैच हो गया है वह 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है, जैसे 15-2-15 प्रथम क्वार्टर प्रथम हाफ, यानी कि 2 क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का गैप, उसके बाद 5 मिनट का मध्यांतर, उसके बाद 15-2-15
फीसदी, यानी कि 15 चौका 60 और 5 4 9, यानी कि 60 मिनट का ऑप्शन दिया जाएगा तो 60 मिनट राइट होगा, या 60 नहीं दिया है तो पूरा जोड़ के लिख देंगे 69 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो दोस्तों मुख्य श्वसन अंग हमारा फेफड़ा होता है। नेक्स्ट है टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है, टेनिस सर्व, अंडर हैंड, ओवर हैंड, फ्लोटिंग सर्व, ये सभी चीजें वॉलीबॉल में होता है। नेक्स्ट है निम्न से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है दोस्तों, तो भाला फेंक थ्रोइंग इवेंट है, चक्का फेंक थ्रोइंग इवेंट है, 100 मीटर दौड़ जो है वो ट्रैक पर दौड़ा जाता है, तो यहाँ पे लंबी कूद जो है कूद वाली प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐसी ध्वनि जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पल्मोनरी ध्वनि या फुफ्फुसीय ध्वनि कहा जाता है, जो अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है शुद्ध होने के लिए, फिर वहां पे शुद्ध होने के बाद अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी शिरा के द्वारा हृदय के बाएं अलंद में जाता है, बाएं अलंद के बाद बाएं निलय में, बाएं निलय से कोरोनर एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, जिससे महाधमनी के शाखाओं के द्वारा समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 2 से 6 पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है, तो दोस्तों 25 लाख है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था भारत में, तो उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे 25 लाख धनराशि दिया जाता है 1991-92 से शुरू हुआ, और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख धनराशि 1961 से शुरू, एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख धनराशि 1985 से शुरू, ध्यानचंद पुरस्कार यानी लाइफ टाइम ध्यानचंद पुरस्कार अचीवमेंट के लिए 10 लाख धनराशि दिया जाता है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी माका ट्रॉफी के लिए 15 लाख धनराशि दिया जाता है। नेक्स्ट है अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है, तो रेखित अरेखित और हृदय पेशियां, तो अनैच्छिक पेशी को हम अरेखित पेशी भी कहते हैं और ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त होती है दोस्तों, तो बैडमिंटन और टेनिस के लिए इस प्रकार के लिए चैलेंज टूर्नामेंट कराया जाता है, यानी कि चुनौती यानी कि चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें दो प्रकार की होती है चैलेंज टूर्नामेंट, लैडर टाइप यानी सीढ़ी प्रकार, पिरामिड टाइप, और पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, केज टूर्नामेंट एंड कॉर्व वेव या टूर्नामेंट, कॉर्व वेव टूर्नामेंट को स्पाइडर वेव विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेशी गति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, दोस्तों गति का अध्ययन किया जाता है किनेसियोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है, तो सेल्डन ने 3 बॉडी टाइप दिया था, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक, यानी गोल गोल का है, सुडोल का है एंड लंब का है। ठीक है, मोटा थुलथुला बॉडी एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक जो होता है मसल्स प्रधान होता है, एक्टोमोर्फिक जो होता है वो अस्थि प्रधान होता है, दुबला पतला शरीर, लीन बॉडी मास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, रक्त अल्पता विटामिन B12 की कमी से, रतौधि जो है नाइट ब्लाइंड से विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें हमारा जो रोड सेल होता है, रोड सेल का जो रोडोप्सिन लेयर होता है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो मिनिमम होता है 26 औंस, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों हॉकी स्टिक का वजन FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नियम के अनुसार 737 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 औंस में दोस्तों 28.35 ग्राम होते हैं याद रखिएगा, और तो 773 ग्राम में 26 औंस होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन के द्वारा 36 ATP का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी ATP का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में कार्य करते वक्त यूज होता है।
नेक्स्ट है एड्स का क्या अर्थ है। तो एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों लैरी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी महिला से संबंधित है। नेक्स्ट है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, दोस्तों कोशिका यानी सेल से बना होता है। नेक्स्ट है YMCA क्लब बालक स्काउट बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी स्वयंसेवी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि जो होता है मनोरंजन के अभिकरण, चार अभिकरण होते हैं मनोरंजन उपलब्ध करने वाले, जैसे कि शासकीय अभिकरण जो NCC NSS स्वयंसेवी में YMCA YWCA, निजी में नृत्य क्लब ऑर्केस्ट्रा वाद विवाद एंड व्यापारिक में जैसे टीवी प्रदर्शनी प्रदर्शनियां आदि। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है, तो 639 पेशियां पाई जाती है, यानी यहाँ पे 600 से अधिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं, अभी जस्ट बताए हैं चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से शासकीय अभिकरण में NCC NSS स्वयंसेवी में YMCA YWCA निजी में नृत्य क्लब ऑर्केस्ट्रा वाद विवाद आदि, व्यापारिक में टीवी प्रदर्शन प्रदर्शनियां आदि। नेक्स्ट है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, दोस्तों तो रक्त जो है एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है किस संधि में अस्थि को 360 अंश तक घुमाया जा सकता है, दोस्तों जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है इसको 360 अंश तक घुमाया जा सकता है, शोल्डर ज्वाइंट को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वाद इंद्रिया या टेस्ट बॉड्स का मुख्य अंग कौन सा है, तो हमारा जो जीभ होता है वो स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग होता है। नेक्स्ट है स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, इंसिजर केनाइन प्रीमोरल मोरल। नेक्स्ट है कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है, दोस्तों तो हमारे कान की जो दो कार्य होता है एक सुनना श्रवण करना, दूसरा संतुलन। जो हमारे कान में एंडोलिम्फ नाम का जो फ्लूइड होता है यानी द्रव होता है वो हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है, तो कान का दो काम है सुनना और संतुलन बनाना, तो इनमें ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, दोस्तों अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूणावस्था में यकृत अप्लीहा में होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैंने कराया, आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जब भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।